हाँ जी, तो नमस्कार सभी दोस्तों को, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडी वीक में। दोस्तों मेरा नाम है रोहित, आज हम दोस्तों आपको जानकारी देने वाले हैं एमलोकाइंड एच टेबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आज हम आपको जानकारी देंगे कि एमलोकाइंड एच टेबलेट के क्या आपको फ़ायदे मिलते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, क्या क्या सॉल्ट्स वगैरह इसमें डाले गए हैं, और ये सॉल्ट्स जो डाले गए हैं इनमें टेबलेट में एमलोकाइंड एच में, ये सॉल्ट्स कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी में, तो आपको पूरी जानकारी इसे एक छोटी सी वीडियो में देंगे। आप दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप कर लीजिए दोस्तों सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर लीजिए जल्दी से लाइक। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं हम बिना किसी देरी के शुरू। तो दोस्तों एमलोकाइंड एच टेबलेट क्या है दोस्तों, ये मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इस टेबलेट में दोस्तों दो सॉल्ट्स जो है डाले गए हैं, एक तो है दोस्तों एमलोडिपाइन बेसिलेट जो कि इसमें 5 mg डाला गया है, और हाइड्रोक्लोरोथाइजेट जो है इसमें 12.5 mg डाला गया है। तो दोस्तों दो सॉल्ट्स जो है इसमें डाले गए हैं, ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है एमलोकाइंड एच। अगर प्राइस की बात की जाए तो दोस्तों 10 टेबलेट की एक स्ट्रिप की पैकिंग जो है इसकी लगभग 43 रुपये के करीब है, लगभग MRP जो है 43 रुपीज़ इसका MRP है। ओके, तो दोस्तों हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में, इसके फ़ायदे के बारे में। तो दोस्तों के फ़ायदे क्या हैं, इसके उपयोग जो ये की जाती है दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करने के लिए। तो दोस्तों एमलोकाइंड एच टेबलेट क्या है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस टेबलेट का उपयोग जो है किया जाता है। एमलोकाइंड एच टेबलेट क्या है दोस्तों, रक्त वाहिकाओं को आराम देती है ताकि रक्त है आपके शरीर में अधिक आसानी से प्रवाहित हो सके। यह शरीर से अतिरिक्त पानी को भी बाहर निकालती है और मूत्र उत्पादन को भी बढ़ाती है। यह क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि पोटाशियम वगैरह जो होता है बॉडी में, उसका संतुलन भी बनाए रखती है हमारी बॉडी में, आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है, और भविष्य में स्ट्रोक, दिल का दौरा या किडनी की समस्या होने का खतरा भी कम हो जाता है। वैसे दोस्तों आमतौर पर आपको इस दवा को लेने से कोई सीधा लाभ महसूस नहीं होता, लेकिन यह लंबे समय तक आपको स्वस्थ रखने में काफ़ी ज़्यादा काम करती है। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों एमलोकाइंड एच टेबलेट जो है इसके साइड इफेक्ट्स आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों सर दर्द, थकान, फ्लशिंग। फ्लशिंग मीन्स दोस्तों चेहरे, कान, गर्दन और धड़ में गर्मी का एहसास होना, धड़कन तेज होना, जी मचलना, खून में यूरिक एसिड बढ़ना, रक्त में पोटाशियम का स्तर बढ़ जाना और रक्त में लिपिड स्तर में परिवर्तन होना। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जो है आपको देखने को मिल सकते हैं इस टेबलेट के उपयोग के दौरान। वैसे ये जो मैंने आपको साइड इफेक्ट बताया इनमें क्या है दोस्तों, को ये किसी डॉक्टर की देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है इनमें। अगर साइड इफेक्ट्स दोस्तों लंबे समय तक बने रहें या फिर लंबे समय तक आपको परेशान करें तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। वैसे दोस्तों ये साइड इफेक्ट जो है थोड़े समय के लिए रहते हैं हमारी बॉडी में, और जैसे जैसे दवा जब है शरीर के साथ तालमेल बिठा लेती है तो साइड इफेक्ट्स भी अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक बॉडी में बने रहें तो हमें अपने डॉक्टर से जो है ज़रूर कंसल्ट, ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं टेबलेट जो है एमलोकाइंड एच टेबलेट इसका इस्तेमाल हम कैसे करें। तो दोस्तों इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई अवधि, खुराक और अवधि के अनुसार ही यूज़ करें। इसे पूरा निगल लें, इसे चबाई कुचलें या फिर तोड़ के बिल्कुल भी ना लें। एमलोकाइंड एच टेबलेट क्या है दोस्तों, भोजन के साथ बिना भोजन भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि इसे एक प्रॉपर टाइम पर लिया जाए जिस टाइम पर आपको डॉक्टर ने बोला गया है। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो दोस्तों यह दोस्तों टेबलेट क्या है, एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका उपयोग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह स्ट्रोक और दिल के दौरे के खतरे को भी कम करती है, और सर्वोत्तम परिणामों के लिए इस दवा का उपयोग जो है उचित आहार, नमक प्रतिबंधन, मतलब कि नमक वाली आइटमें जो है हमें बिल्कुल भी नहीं खानी है, मतलब कि कम उपयोग करना नमक का, और नियमित रोजाना एक्सरसाइज वगैरह व्यायाम के साथ किया जाना चाहिए इसका उपयोग। रात में बार बार पेशाब आने से बचने के लिए इसे सुबह भोजन के साथ या भोजन के बिना भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इस दवा से निर्जलीकरण हो सकता है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ भी हमें लेना चाहिए। यदि आपको अत्यधिक प्यास लगे तो मांसपेशियों में कमजोरी आ जाए तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। ठीक है, सूचित करें। और इस दवा के उपयोग से क्या है दोस्तों, दुष्प्रभाव के रूप में रोगियों के टखने में सूजन वगैरह भी हो सकती है, तो ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जानकारी दोस्तों एमलोकाइंड एच टेबलेट के बारे में। अगर आपको जानकारी इजीली हिंदी भाषा में समझ आ चुकी है तो वीडियो को कर लीजिए लाइक एंड चैनल को कर लीजिए दोस्तों सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं एक और नए ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।